जो कह रहे हैं ना कि जी पेट तो गया, कोरोना के बाद बहुतों का पाचन तंत्र पूरा ध्वस्त हो रखा है। बकरी का दूध हमने पाउडर भी उपलब्ध करा दिया। अभी जो भाई जा रहे हैं यहाँ से, जिनको फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है, बहुत ज़्यादा आईबीएस है, पाइस फिसर फिस्टूला है, पेट का ठिकाना नहीं, पेट नड़े भरे हुए हैं, भूख लगती नहीं है, और जब पेट कमज़ोर हो जाता है ना, लीवर आते कमज़ोर हो जाती हैं, तो पूरा शरीर ढहने लगता है। तो सुनो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करो, लंबे लंबे अभ्यास ऐसे। फिर बकरी का दूध के साथ साथ हमने कैमल मिल्क, ऊँटनी का दूध, अर्थराइटिस के लिए और टाइप वन डायबिटीज, और मैं तो कहता हूँ डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। वो ये कुदरत की क्या महिमा है, ये तो भगवान ही जाने। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, जिससे जितना बन पाए ऐसे करना। ऊँटनी का दूध भी अब कोशिश मेरी होगी कि लगभग एक सप्ताह में, पहले योगग्राम निरामयम में पूरा भरपूर उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि अर्थराइटिस के और डायबिटीज के रोगी यहाँ पर कम से कम हर समय 1000 से ज्यादा होते हैं। अब उनके लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए समय तो लगता है, लेकिन ये भगवान की महिमा है, अद्भुत है। ऑर्थराइटिस के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, किसका? ऊँटने के दूध का ही कल्प करना, ऊँटने का दूध ही पीना। अब देखो, पेट की बीमारियों में तो जब अपचन होता है, आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, दस्त लग जाते हैं, तो उसमें तो दही छाछ अनुकूल पड़ जाते। अर्थराइटिस में दही छाछ नहीं देते, केवल दूध ही पिलाते हैं, मुनक्का और खजूर के साथ। हाँ, डायबिटीज में, और वो थोड़ी मात्रा में, लेकिन जब डायबिटीज हो जाए तो फिर केवल ऊँटने का, और अर्थराइटिस में केवल दूध पीना है, और डायबिटीज में दही छाछ भी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तुम कह रहा था इतनी चीजें आपको बतानी है मुझे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, भजन तो बाद में गाएंगे। जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। ये पेनक्रियाज में जो दर्द होता है ना, इसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है। इसका इलाज क्या है? पेनक्रियाज के बीटा सेल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, तो इंसुलिन बनाना कम कर दे, तो डायबिटीज, और अभी पेनक्रियाज डीजर्नेट हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पियो, उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी, विजय सार, ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये कर लेना। पेट के जितने भी रोगी हैं, क्रॉनिक रोगी हैं, वो तो ये गोट मिल्क पाउडर लेकर के जाना, पेट के रोगी और जिनको फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस है, तो दही और छाछ का प्रयोग करना, इसी का ही 100% पेट की सब बीमारियां। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा करने के लिए गोट मिल्क, मुनक्का और खजूर मैंने बता दिया, थोड़ा हल्का सा खारापन होता है इसके अंदर, नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी। दो तरह से, एक तो स्प्रे ड्रायर से बकरी के दूध को सुखाया जाता है,
उसमें से पानी सोख लेते हैं, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। कल एक माँ बोली, जी जो आप पाउडर देते हो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं होता? प्रिजर्वेटिव की बात तो खराब हो जाएगा, इसमें कतई कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। और जो गाय का दूध आपको उपलब्ध कराते हैं टेट्रा पैक में, उसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। बस इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए मैंने मुनक्का और खजूर का प्रयोग बता दिया, और अच्छा टेस्ट हो जाएगा, आपको खाने में रुचिकर भी होना चाहिए और उससे डाइजेस्टिव भी हो और अच्छा हो जाएगा और ताकत भी आएगी। अब टाइप 1-2 डायबिटीज और आर्थराइटिस के रोगियों के लिए ऐसे ही एक सप्ताह के अंदर अंदर, ये तो अभी हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है, अभी तो इसको पाउच में देने वाले हैं, तो ऊँटनी का दूध आर्थराइटिस के लिए और टाइप 1 डायबिटीज के लिए, मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण आ चुके थे, केवल ऊँटनी का दूध पी करके बच्चों का इंसुलिन बंद हो गया था, लेकिन वो जैसे बंद करते हैं फिर शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ साथ में योग करो। मैंने 4 भागों में बांटा इसलिए चिकित्सा को, एक योग, दूसरा आयुर्वेद की औषध, तीसरा खान पान और चौथी थेरापी, उसमें मधुग्रीट की बस्ती भी देते हैं, बहुत जरूरी है, मिट्टी पट्टी भी रखते हैं। अब उसका जो लाभ है वो तभी पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा। मधुग्रीट की बस्ती भी देते हैं, वाटर थेरापी मड थेरापी भी करते हैं, ये जरूरी है। खान पान में ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज में, पेट की बीमारी और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस में, लिवर फेलियर में, ये बकरी का दूध। तो 4 चीजें, एक योग, और योग में भी योगासन प्राणायाम ध्यान का संयुक्त प्रयोग, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, समन्वित योगाभ्यास, दूसरा आयुर्वेद की औषधियां, तीसरा खान पान और चौथा थेरापी। ये थेरापी आपको जो सिखाते हैं, बस्ती से लेकर के सिरोधारा कर्णपुंड नस्य अभ्यंग वाटर थेरापी मड थेरापी सन थेरापी और उपवास थेरापी, ये बहुत जरूरी है। खाली रक्त मोक्षण और वात मोक्षण आदि की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो यहीं पर हो सकती हैं, वो यहां करवा के भेज देते हैं ना, वो रोज नहीं करने को होती, 6 महीने साल भर बाद फिर आके करवा लेना यदि जरूरत पड़े तो, एक बार पूरा पेन फ्री करके भेज देते हैं हम 99% लोगों को। वर्षों से कंधा जाम था, वर्षों से गर्दन जाम थी, एंकलोजिंग स्प्लाइटिस में हिल डुल नहीं पा रहे थे, वर्षों से घुटनों में दर्द, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक 80 साल की उम्र तक का तो दर्द हमने ठीक कर दिया, और बचा क्या है? 80-85 साल के लोगों का घुटनों का दर्द, कमर का दर्द। तो ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं।